यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में डीडी कॉन्क्लेव की सफलता के बाद शुक्रवार से डीडी न्यूज कॉन्क्लेव 8 साल मोदी सरकार सपने कितने हुए साकार शुरू हुआ। इसमें मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज पर चर्चा और इसका लेखा जोखा होगा। तमाम केंद्रीय मंत्री और विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज पर चर्चा और इसका लेखा जोखा लेने के लिए शुक्रवार को डीडी न्यूज कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। 3 जून से 11 जून तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव का शीर्षक 8 साल मोदी सरकार सपने कितने हुए साकार रखा गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि यह कॉन्क्लेव पिछले 8 सालों में आए बदलाव का साक्षी है। And I also want to share that over the last 8 years of the Modi government, significant reforms have happened and 2 major milestones have been achieved during his tenure as the INB minister. We have completely phased out our obsolete transmitters and DD Fridish has reached the milestone of more than 4.5 crore households and that is the strength of Doordarshan today, the reach of Doordarshan today. And So it is a testimony to the change that has happened over the last 8 years. दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि दूरदर्शन लोक प्रसारक के रूप में अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। डीडी कॉन्क्लेव भी इसी का एक हिस्सा है। इस दौरान अहम विषयों पर सरकार के साथ साथ विपक्ष भी इस कॉन्क्लेव में अपनी बात रखेगा। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का उद्देश्य विवाद नहीं संवाद शुरू करना है। सही गलत का ज्ञान कराना आप जानते हैं लोक प्रसारक का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को निभाते हुए आज फिर कॉन्क्लेव के माध्यम से एक विशेष समसामयिक विषय पर हम चर्चा कराने जा रहे हैं और यह विषय है केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के 8 साल सपने कितने हुए साकार। भारत की विश्व में नई पहचान बनी है, खेलों में भी हमारा राष्ट्र एक ताकत बनकर उभर रहा है। तो आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं और आगे की क्या राह है, यही सब इस कॉन्क्लेव में आयोजित विभिन्न सत्रों की चर्चा का विषय होगा। कॉन्क्लेव के पहले दिन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में शामिल हुए और मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इसके अलावा भविष्य का भारत और युवाओं की इसमें भूमिका और जल संचयन बने जन आंदोलन कैच द रेन कैंपेन पर भी पैनल चर्चा हुई। डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आने वाले दिनों में कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे और पिछले 8 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें कई विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल होंगे और अपने सवाल रखेंगे। डीडी न्यूज नेटवर्क और सोशल मीडिया हैंडल के अलावा इस कार्यक्रम का ऑल इंडिया रेडियो पर भी प्रसारण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।